सारा देश में सांबादिक मरुछ कोविड मारुछि कि चिकित्सा अभाव किए जानुछ जानुति जानुछि खबर देउथुवा लोके जेबे खबर होउछि के हेडलाइंस रे आसुछि के पोर्टाले पुणि किए बासी खबर कागज रो भीतर पृष्ठारे आसी लुचि जाउछि कारण से सांबादिक फ्रंट पेज रे तीन कलम खबर होइ बाहरिबा त भाग्य रे नाही कोविड रे मले त बिल्कुल नाही जाति दोष होइए कहा को बा कहिबी के बा सुनिबो जे तो सुनिबा लोके से निर्वाचन रे व्यस्त जणे पश्चिम रे आ जणे पीपिल रे निरवतार घन कुहुड़ी भितर जीवन को पानी छड़ाई पहरुवा सांबादिकटे का आपत्ति करजपाई गाँ सरपंच को आवास खंडे माग ना सांबादिके बेड भेन्टिलेटर अक्सीजेन माग एक किए बा विश्वास कर आपण भाषार मुंडविका सांबादिक सेबे जुझी हो भोकपाई आज जुझी होटिलेटर पर लड़ा तार कर्मधर्म सबकि कौन एमती मरण मुहर बिना अस्त्र लड़ब मुद्दा को आसतु भाषणबाजी आपण को भल लगे हेले मु भाषण दे पारे बोली सांबादिक कोरोनार प्रथम लहर में किसी सांबादिक आखि बुझे अनेक आक्रांत हो मरण मुहर फेरी आसते से कि घटी व्यवस्था को जितकी दायी कर एवं किगले व्यवस्थार विफलता को सीधासल चटकणा लगुच वैज्ञानिकों विशेषज्ञ जाए सरकार जाए कोरोना द्वितीय लहर आसवा नहीं समस्ते जानी गला सेप्टेम्बर में भारत बाहर सेकेंड स्ट्रेन चलुवर खबर कौन देश देखनी ना राज्य जानी हेले आम टे बेपुरा हवा को भल पाऊ यहाँ आम समस्त प्रकृति और प्रवृत्ति कथार अच्छी परा प्रकृति नैव मुच्यते तेना आम बदलानी बोली आम भी जानी आज व्यवस्थापी तल उपर जाए पूरा सिस्टम जे दायी ताम न मानले भी भलि जाचे जातीय गणमाध्यम फास्ट पोस्टर एक रिपोर्ट अनुजाई भारत में यह भितर 109 जन सांबादिकर कोरोना जनित मृत्यु होगा केवल एप्रिल मासरे देशर विभिन्न प्रांत में 57 जन देहांत एप्रिल 1-28 भितर केवल उत्तर प्रदेश में देशर सर्वाधिक 19 जन तेलंगाना 17 जन महाराष्ट्र 13 जन सांबादिक कोरोना प्राण हर सारे तथापि निर्विकार साजी नीरव बसि केन्द्र सरकार सांबादिक हत्या मामलें तो भारत विश्व 14वें रैंक में थी कोविड जनित मृत्यु यही रैंक केतरे पहुँचव मत कह दरकार ना ये तो सरकारी रिपोर्ट बेसरकारी भाव और एग्रिगेडेशन पाइन केते सांबादिक प्राण हर तार हिसाब ना सरकार अच्छी ना मो पाखे अच्छे प्रेस एम्बलेम रिपोर्ट बा पीसी दाबी कर गत वर्ष डिसेंबर 26 सुधा 57 देश में 585 सांबादिकों मृत्यु हो सारे से केवल पेरुरे 93 जन सांबादिक कोरोना प्राण हर बेले भारत द्वितीय सर्वाधिक देश भाव 57 जन सांबादिकों हर से भी ब्राजिल 51 मेक्सिको 42 बांग्लादेश 41 इटाली 35 अमेरिका 30 पाकिस्तान 22 तुर्की 17 और युके 12 जन सांबादिक कोरोना प्राण हर अधिकांश युव सांबादिक कोरोना जनित मृत्यु तालिका स्थान पाता बेले से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सांबादिकों कोरोना योद्धा भाव घोषणा करने बीमा तालिकार अंतर्भुक्त कराइवा और मृत्यु जनित अनुकंपामूलक सहायता प्रदान करने को दावी करते ओडिशा भली किसी राज्य यहाँ निजाड़ लागी कर सत किंतु केन्द्र सरकार यहाँ नहीं ठोस पदक्षेप नहीं नमतीक आसाम भली राज्य आईपाद आग को जाबादिकों कोरोना जनित मृत्यु 50 लाख टंका सहायता घोषणा करते स्वास्थ्यकर्मी पुलिस एमतीक सफे कर्मचारी आगुआ टीका नेवाई आम सरकार व्यवस्था कले आमर अफसोस ना कि अभोग भी ना हेले प्रतिदिन मृत्यु पाखु देखुवा ये सांबादिकटे कौन भैक्सीन नाप प्राथमिकता पाइबा योग्य नुहे एक कथा भाविदेला बेलू निजक भी धिकार लगुच हाँ मन बुझा कि कौन गत मार्च 17 तारीख में सांबादिकों टीकाकरण अग्राधिकार देवाक ओडिशा सरकार तरफ केन्द्र को चिठी लिखा जाता है केन्द्र से चिठी पाइला कि नहीं उत्तर भी देने जणक पर जड़े सांबादिक भाई भौणी आग पछ आरपारी को चलीगले उत्तराखंड पंजाब और त्रिपुरा सरकार निज आड़ सांबादिकों सम्मुख योद्धा घोषणा कर मागणा टीकाकरण अग्राधिकार दे चाइना आमेरिका भली देश माने तो सांबादिकों टीकाकरण में प्राथमिकता देले भारत सरकार कितु टीका फिका देवे कि नहीं किसी कहना आपण मन थी एप्रिल 5 तारिख में केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रणालय तरफ स्पष्ट कर सम्मुख योद्धा कैटेगोरी आउ क्या आड करना सीधा सीधा नक बुले बंके केन्द्र या कहला जे सांबादिक सम्मुख योद्धा नुहे आमर किसी दुख ना आम को अनुकंपा पाइबा को सांबादिकता करुच्चे आम कम जहाँ से करुचु और सहे भाई मले आउ कि मरीजा हेल्ले सांबादिकर जीवनटा पिंगुना भाई जी जहा कहले भी शुणिलु।
କେନ୍ଦ୍ର ନହେଲା ନାହିଁ। ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବେ ନବୀନ। ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରି ଯେମିତି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ, ଏ ଟିକାକରଣରେ ବି ସେମିତି କିଛି କରିସ୍ମା ଦେଖାଇବେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଏଥିରେ ସାରଥି ସାଜିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟାପାର ମୁଖ୍ୟ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ। ଏ ଭରସା ଆମର ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଘୋଷଣାକୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକଟିଏ ରାଜ୍ୟର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଜର ଭାବାବେଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଏମିତିରେ କେତେ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି, ଗଣତି ସରୁ, ତାପରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଟିକା ମିଳୁ। ଅଧିକ କିଛି କହୁନି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।